इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन किसी एक दिन की बड़ी घटना इतिहास में एक बड़ा मोड़ ले आती है। ऐसा ही इतिहास 27 मई के दिन से जुड़ा है। कहने को तो ये साल के बाकी दिनों की तरह ही एक साधारण सा दिन था, लेकिन इस दिन जो हुआ वो भारत के लिहाज से बेहद बड़ा सदमा लेकर आया। 27 मई 1964, वो दिन जब भारत ने अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को खोया। सुबह सुबह पंडित नेहरू को हार्ट अटैक आया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पंडित नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि के मौके पर जानते हैं कि उनके देहांत से पहले क्या क्या हुआ था। तारीख 23 मई 1964, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पंडित नेहरू से उनके उत्तराधिकारी को लेकर सवाल पूछा। जवाब में नेहरू ने कहा, मैंने इस बारे में सोचना तो शुरू किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी मौत इतनी जल्दी हो। फिर तारीख आई 27 मई 1964, वक्त था दोपहर के 2 बजे के आसपास। देश के तत्कालीन इस्पात मंत्री सी सुब्रमण्यम ने संसद में घोषणा की, रोशनी चली गई। इसका मतलब था देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इसी के साथ पूरे देश में शुरू हो गया शोक का माहौल। इससे पहले साल 1964 के जनवरी महीने में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भुवनेश्वर अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद से उनकी सेहत लगातार खराब रहने लगी। पंडित नेहरू की सादगी को आज भी लोग शिद्दत से याद करते हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।